हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कल्चर मेथड्स। कल्चर मेथड्स में आपके जो एनिमल्स हैं उनमें जो चार एनिमल्स हैं वो तो आपके प्रोटोजोअन्स हैं, या तीन एनिमल्स आगे आप देखेंगे। अभी अपन जब करते हैं तो उनका कल्चर मेथड्स मैं एक बार बताऊंगी आपको, और फिर जो बाकी एनिमल्स हैं उनका मैं दूसरे लेक्चर में कल्चर मेथड्स टू में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल्चर मेथड्स। प्रॉपर केमिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब जो भी उनको रसायन की ज़रूरत है वो या तो बनने चाहिए उस कल्चर में या प्रेजेंट होने चाहिए। और लास्ट है उनके जो उनका आसपास अगर कोई एनिमीज होंगी तो उनको ख़त्म कर देंगी, तो एनिमीज भी इसमें आसपास के एनवायरनमेंट में नहीं होनी चाहिए, तो वो आराम से रिप्रोड्यूस करते रहेंगे और अपना कॉलोनी बढ़ाते रहेंगे, अपना नंबर बढ़ाते रहेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। लैब में हम क्यों कल्चर करते हैं, एनिमल्स को कल्चर क्यों करते हैं? अब जैसे हम अगर हम अभी अमीबा को कल्चर कर रहे हैं, पैरामीशियम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको खाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, उनके उन पर हमको कुछ एक्सपेरिमेंट्स लगाने होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट लगाने के लिए हमको एनिमल्स चाहिए होते हैं। और एनिमल्स जो हैं वो अगर अपन कल्चर करेंगे तो वो एक ही उसके स्ट्रेन के मिलेंगे, नहीं तो अलग अलग जगहों से अगर अपन अलग अलग एनिमल्स लेते हैं तो उनकी टॉलरेंस पावर भी अलग होती है, जो एक्सपेरिमेंट होता है वो उसका सही इन्फ्रेंस नहीं निकल पाता। और अगर एक ही कल्चर में से अपन एनिमल्स को लेते हैं तो फिर आप जो उस वो एक तरह से उनके सारा तौर तरीके उनके ट्रेड सेम होते हैं, तो वो सेम तरीके से स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करेंगे, तो फिर अपन इन्फ्रेंस भी बिल्कुल सही निकाल पाएंगे, इसलिए ये कल्चर किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं किन किन एनिमल्स का। सबसे पहले है अमीबा का कल्चर। अब अमीबा आप पहचानते तो हैं, और अगर नहीं पहचानते तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में, ये इस स्लाइड में काफ़ी पॉइंट्स हो गए थे, जगह नहीं बची, इसलिए मैंने एक और स्लाइड बना दी है अमीबा की, तो वो अमीबा आप देख लें, पहचान लें। और पहचानना क्यों ज़रूरी है, अगर आपको अमीबा का कल्चर करना है तो पहले अमीबा तो चाहिए ना भाई। अगर अमीबा ही नहीं होंगे तो जो हम कल्चर मीडियम बनाएंगे, जो कल्चर मीडियम क्या होता है, एक तरह से उनके खाने का माल होता है, तो अगर वो कल्चर मीडियम में हम अमीबा नहीं डालेंगे तो वो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, वो अपने आप तो पैदा नहीं होंगे। तो हमें पहले कुछ एनिमल्स अपने उसमें इंसर्ट करने होंगे जो कि फिर उस कल्चर मीडियम को खा के अच्छे ताजे हो जाएंगे और फिर नए अमीबा उसमें से पैदा होंगे। तो अमीबा का कल्चर करने के लिए अच्छा, ये जो है ये हर एक कल्चर को मैंने दो पॉइंट्स में लिया। एक तो ये कि एक तरीका मैंने जैसे बताया ना आपको कि अगर एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं तो आप बाहर से भी ले सकते हैं, जैसे पानी में अमीबा मिलता है फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, तो आप पॉन्ड में जाइए और वहाँ से कलेक्ट करिए और वहाँ से फिर ऑब्जर्व करके कि भाई हाँ इस वाले पानी में इतने अमीबा हैं, और एक्सपेरिमेंट लगा दीजिए। तो लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि अगर एनवायरमेंट बाहर सही है वो कुछ ही टाइम के लिए समझ में अपने को मिलेंगे, बाकी टाइम जैसे सर्दी होगी तो वो टेम्परेचर के कारण मर जाएंगे। तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि कलेक्शन तो हमें करना ही है, लेकिन कलेक्शन को करके और फिर हम लेबोरेटरी में ही उनको बढ़ाएं एनिमल्स को, और ये जो बढ़ाना होता है ये कल्चर के थ्रू होता है, इसी को अपन एक तरह से कल्चर बोलते हैं कि अपन एनिमल्स को कल्चर करें। तो हर एक जो भी कल्चर अपन पढ़ेंगे उसमें दो पॉइंट्स होंगे, तो कलेक्शन मतलब मैं वो बताऊंगी कि किस हैबिटेट में मिलते हैं जिससे कि आप आराम से उसको जाके ढूंढ लें, ठीक है। तो जो अमीबा है ये मिलता है आपको लेक में या पॉन्ड वाटर में, या फिर कोई अगर मॉइस्ट सॉइल है तो उसमें भी अपने को मिल सकते हैं। मॉइस्ट सॉइल को जैसे अपन ने कलेक्ट कर लिया, बस उसमें कंडीशंस होने चाहिए, उसमें कि खाने की चीज़ें होनी चाहिए, जो डीके मटेरियल है वो होना चाहिए जिसपे फीड करता है अमीबा। तो अगर ऐसे कंडीशंस का पानी या मॉइस्ट सॉइल है तो उसमें अपने को ढेर सारे अमीबा मिल जाएंगे, फिर उनको अपन ला के लैब में रखेंगे और जो कल्चर अपन ने बनाया है उसमें डाल देंगे। और कल्चर कैसे बनाते हैं, इसका कल्चर बनाने के लिए हम एक बीकर में 100 मिलीलीटर पानी लेंगे, उसमें 25-30 गेहूं के दाने डाल देंगे और थोड़ा सा हे डाल देंगे। हे का मतलब पुराल बोलते हैं इसको हिंदी में, तो पुराल डाल देंगे और इसको फिर हम अच्छे से बॉईल करेंगे, इतना अच्छे से बॉईल करेंगे कि ग्रेन्स में से और हे में से स्टार्च निकल जाए,
बहुत ज़्यादा हीट करने पे ऐसा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हीट करने पे। तो इसको अपन अच्छे से बॉईल करते रहेंगे जब तक कि स्टार्च इन चीज़ों में से नहीं निकल जाए। तो स्टार्च जब निकल जाएगा, स्टार्च फिर क्या काम करेगा, अमीबा के फूड की तरह काम करेगा। फिर अब ये बॉईल कर लिया अपन ने, स्टार्च रिलीज हो गई, अब इस मिक्सचर को अपन ठंडा कर लेंगे, लेट द मिक्सचर कूल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो पॉन्ड वाटर है जिसमें कि बहुत सारे अमीबा अपन हैं, उसको अपन लेंगे, ऐसे जगह से कलेक्ट करेंगे जहाँ अपने को पता है कि अमीबा, और जहाँ अमीबा वहाँ होगा जहाँ पे कि ये गले सड़े पौधे या कोई मरे हुए जीव छोटे मोटे वो जहाँ प्रेजेंट है वहीं पे अपने को अमीबा ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसी जगह से पानी कलेक्ट करेंगे और उसको कपड़े में से, बहुत फाइन कपड़े में से छान लेंगे। छानने के बाद जो ऊपर कपड़े के ऊपर जो रेजिड्यू बचेगा उसको अपन, वो जो कल्चर अपन ने बनाया उसमें मिक्स कर देंगे एक पेट्री डिश में, ठीक है। और फिर उस पेट्री डिश को कवर करके एक हफ्ते के लिए रख देंगे, अलग छेड़ेंगे नहीं उसको। और फिर वो जो अमीबा जो डेब्रिज में होंगे, वो डेब्री वाले अमीबा मतलब जो सलागड़ा पार्ट वो है रेजिड्यू, उसमें जो अमीबा हैं वो कल्चर मीडियम के स्टार्च पे फीड करके और ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर इनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ अपने को मिलेगा। तो ये हो गया अमीबा का कल्चर। और ये अमीबा का कल्चर थोड़ा आपको नया लग रहा है, इसके बाद करीब करीब थोड़ा सा डिफरेंस है और सब कल्चर बाकी सेम है। अब ये देखिए ये अमीबा का डायग्राम, आप बिल्कुल वाकिफ होंगे इस डायग्राम से, लेकिन और अच्छे से देख लीजिए इसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बाय द वे कल्चर की एक्सपेरिमेंट यदि आ जाती है तो हो सकता है आपको डायग्राम ड्रॉ कर। अब आ जाइए पैरामीशियम कल्चर पे। पैरामीशियम, अब इसमें जगह थी स्लाइड पे, देखिए मैंने पैरामीशियम इसमें लगा दिया है। ये चित्र, आप सोचेंगे कल्चर में चित्र क्यों, चित्र इसलिए कि आप पहले पहचान लें एनिमल को और उसी एनिमल का कल्चर करें। जब आप कलेक्शन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये मैं पैरामीशियम कलेक्ट किया, ये नहीं कि पैरामीशियम की जगह आप यूगलीना कलेक्ट करके लें। तो ये इसको अच्छे से पहचान लो और फिर जब आप जो कलेक्शन के लिए सैंपल लाओगे उसमें जब आप ऑब्जर्व करोगे तो, और पानी में देखिए सिर्फ ऐसा तो है नहीं, पानी को पता नहीं है कि आपको अमीबा का सिर्फ पैरामीशियम का कल्चर करना है, उसमें तो नए नेचर के हिसाब से जो और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो हमको ऐसा लेना है जिसमें पैरामीशियम ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऐसा सैंपल जब हम लेंगे और उसमें डालेंगे कल्चर में तो फिर जो अगर ज़्यादा पैरामीशियम होंगे तो वो उतने ही गुना मल्टीप्लाई होकर कॉलोनी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। तो वही फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, और ये जो पैरामीशियम है ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में मिलते हैं। फ्रेश वाटर पॉन्ड्स मतलब जैसे अपने गार्डन में कोई अपन ने तालाब छोटा सा पॉन्ड बना रखा है तो वहाँ वो वेजिटेशन भी थोड़ी बहुत होती है और अच्छी आबो हवा होती है, अच्छा टेम्परेचर वगैरह मेंटेन होता है, तो इनमें पैरामीशियम मिलते हैं। फिर कल्चर मेथड में इसमें 500 ml पानी लेंगे बीकर में, 20 से 25 दाने गेहूं के डालेंगे और पुराल डालेंगे थोड़ी सी और उसको बॉईल करके कूल कर लेंगे। जैसे उसमें था वैसे इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी डिफरेंट हुई है, बाकी तीनों चीज़ें सेम। और ये कल्चर मीडियम बन जाएगा कूल करके। अब ऐसा ही वो पैरामीशियम से भरा हुआ पानी लेंगे और वो उसमें ऐड कर देंगे कल्चर में और फिर उसको कवर करके एक वीक के लिए रख देंगे। तो पैरामीशियम जब अपन उसको ऑब्जर्व करेंगे जो कल्चर वाले मीडियम को, एक हफ्ते के बाद एक बूंद डालेंगे स्लाइड पर उसमें देखेंगे तो उसमें पैरामीशियम तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ और बहुत सारे बैक्टीरिया भी पनपे हुए मिलेंगे। और ये जो पैरामीशियम का कल्चर अपन कर रहे हैं ये अगर टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री रहेगा तो बहुत अच्छा होएगा, मतलब ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इसमें बेस्ट कल्चर अपने को अपना प्रिपेयर होगा। तो ये हो गया पैरामीशियम का कल्चर। नेक्स्ट थर्ड आ जाइए यूगलीना। तो ये तीन एनिमल्स हैं, ये प्रोटोजोअन्स हैं तीनों, और इनका करीब करीब कल्चर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्वांटिटी का, बाकी इनका कल्चर सेम तरीके से है, बिल्कुल चीजें बिल्कुल वही यूज हो रही है सेम। अब ये जो यूगलीना है ये कलेक्शन, इसको हम फ्रेश वाटर पॉन्ड से करेंगे, वही गार्डन पॉन्ड से। और फिर कल्चर जब हम करेंगे तो हम एक ग्लास ट्रफ लेंगे, ट्रफ मतलब एक बर्तन चौड़ा सा कांच का, और उसको 3/4 पानी से भर देंगे और उसमें 70 से 80 ग्राम, पहले अपन बोल रहे थे ग्रेन्स ऑफ वीट, नंबर काउंट करके ये वेट 70 से 80 ग्राम गेहूं के दाने लेंगे अपन और उसमें थोड़ा सा पुराल डाल देंगे।
अब इस ट्रफ को अपन ऐसे खिड़की के पास रखेंगे इस तरह से कि हवा पानी तो लगता रहे, लेकिन जो सूरज है, सूरज की लाइट, वो डायरेक्ट उस पर ना लगे पूरे दिन। मतलब ऐसे लाइट तो है, लेकिन डायरेक्ट किरने उसके ऊपर ना। अब तो ऐसी जगह रख के अपन पॉन्ड का पानी उसमें डाल देंगे जिसमें कि उगलीना है बहुत सारे, और ये जो पानी है फिर 14-15 दिन में हरा होने लग जाएगा और ऊपर एक लेयर बन जाएगी पानी की सतह के ऊपर। और ये जो लेयर है, यदि इसको लेके अपन उसके नीचे ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इसमें बहुत सारे युग्लिना अपने को देखने को मिलेंगे। तो भाई ये हो गया कल्चर मेथड्स पार्ट 1, जिसमें हमने प्रोटोजोअन्स का कल्चर किया। अब बाकी जो एनिमल्स हैं आपके, वो कल्चर अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक